हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स विद प्रिंस खापरा। सो आज है टीचर्स डे। तो टीचर्स डे बहुत ही अलग होने वाला है आज का। ये जो 2020 अपने साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडीज लेके आया है, COVID-19 की वजह से दोस्तों स्कूल्स बंद हैं, तो प्राइवेट टीचर्स इस टाइम किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियली उनकी हालत क्या हो चुकी है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। मैंने अभी यूट्यूब पे एक प्राइवेट टीचर का दर्द सुना, वो वीडियो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। बहुत कुछ उन्होंने कह दिया चंद मिनटों में। एक प्राइवेट टीचर की इस टाइम क्या हालत है वो उस वीडियो में सब कुछ बयां किया हुआ है उन्होंने। इस टाइम पे दोस्तों जो एक प्राइवेट टीचर है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली और दूसरे तरीकों से भी। बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे फीस बच्चों ने अभी नहीं दी है, मतलब बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने स्कूल में बच्चों की फीस सबमिट नहीं की है। पेरेंट्स का मानना है कि नो स्कूल नो फीस, जब स्कूल ही ओपन नहीं हुए तो फीस किस चीज़ की दें। लेकिन यहाँ पे सरवाइव कौन कर रहा है, पिस कौन रहा है? टीचर्स। जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनको तो सैलरी तभी मिलेगी जब उनके स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनकी ट्यूशन फीस स्कूल में सबमिट होगी। तो टीचर्स इस टाइम पे दोस्तों बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और वैसे भी ये टीचर डे अलग ही होने वाला है, बिना टीचर के बच्चे आज टीचर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। पहले स्कूल में अलग अलग तरीके से टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन इस बार टीचर डे सेलिब्रेट नहीं होने वाला है। और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स को मिस करेंगे आज के दिन। एक बहुत ही अच्छा दिन होता है टीचर्स डे, इस दिन हम अपने टीचर्स को याद करते हैं। मुझे खुद अपने जो टीचर्स हैं वो याद आते हैं, उनकी बातें याद आती हैं कि उन्होंने हमें कितना कुछ सिखाया, वो हमारा कितना भला चाहते थे। बच्चों एक बात याद रखना, आपके माँ बाप के अलावा, आपके पेरेंट्स के अलावा जो इंसान आपकी तरक्की से खुश होता है वो आपका टीचर है। चाहे आपका दोस्त हो चाहे आपका पड़ोसी हो, अगर आप तरक्की करोगे ना तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो पक्का कहीं ना कहीं कुछ हद तक अंदर ही अंदर आपसे जलेगा। लेकिन एक टीचर वो इंसान है जो अपने स्टूडेंट्स की तरक्की देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, जो हमेशा यही चाहता है दिल से कि उसके बच्चे बहुत आगे तक हों। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक वीडियो मैंने देखी और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस वीडियो को देखें, तो वो वीडियो मैं प्ले करने वाला हूँ। बच्चों 5 मिनट की वीडियो है, आप ज़रूर देखना। एक प्राइवेट टीचर का दर्द। कुछ लोगों ने बचपन में ही देखा था सपना टीचर बनने का, कुछ लोगों को परिस्थितियों ने बना दिया टीचर प्राइवेट स्कूल का। माना शिक्षा कारोबार नहीं है, पूजा है ये, व्यापार नहीं है, पर विद्या बेची और खरीदी तो जा रही है। व्यवस्थापक और पालक के बीच इस लेन देन में निरीह शिक्षक की किसी को सुध भी आ रही है। अच्छे परिणामों का दायित्व हमेशा हमारे सर होता है, चूक गए तो निकाल दिए जाएंगे, हर घड़ी ये डर होता है। आपदा में स्कूल बंद है पर ऑनलाइन क्लासेस में हम फिर भी जूझ रहे हैं। अपनी सीमाओं से उलझते हम नई तकनीकें समझ बूझ रहे हैं, पर वो कह रहे हैं काम नहीं तो दाम नहीं। पालक का हक है, व्यवस्थापक की मजबूरी, और टीचर क्या वो अवांछित है, गैर जरूरी? सरकारी टीचर को तो फिलर बना दिया है, टीका जनगणना सर्वे वितरण जहां लगे लगा दो। हमें बोर्ड पर लिखी तारीख सा मिटा दिया है, हम दान पर कैसे जिए, हमें फिलर ही बना दो। हमारे बच्चे हमारी छुट्टियों के नाम पर चहकते थे कभी, अब सकते में आ जाते हैं। कभी हमारी तरह टीचर बनना चाहते थे, अब इस ख्याल से भी कतराते हैं। प्राइवेट टीचर का जीवन
प्राइवेट कहाँ रहा, सड़क पर आ गया है। कोई भी आता जाता अफसोस कर ले। क्या कोई व्यवस्था नहीं कि बड़े बड़े व्यवस्थापक गढ़ने वाला टीचर अपने जीवन की थोड़ी सी व्यवस्था कर ले। बेशक अच्छा नहीं है टीचर का व्यापारी हो जाना, पर क्या अच्छा है टीचर का भिखारी हो जाना? तो देख लिया आप लोगों ने वीडियो दोस्तों। अब मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने टीचर्स को सपोर्ट करें, अपने पेरेंट्स से कहें कि वो स्कूल फीस सबमिट कर दें, ताकि एक प्राइवेट टीचर के घर में भी कुछ पैसा आ सके, क्योंकि उसकी भी एक फैमिली है, उसको भी पैसों की ज़रूरत है। आज आपके टीचर्स को आप लोगों की ज़रूरत है, तो आप लोग उनके काम आए और यही उन्हें उनके टीचर डे का गिफ्ट।